हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम वाजपेयी फ्रॉम एसबी क्लासेस। और आज ये मेरे पास वीडियो आया है जबलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल से, जहां SAF का फिजिकल वो मेडिकल हो रहा है। तो आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। ऑडियो में कुछ खास है नहीं ऐसा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये मेरे फ्रेंड ऋषभ चतुर्वेदी, मेरे परम मित्र, मेरे भाई ऋषभ चतुर्वेदी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है। साथ ही अपने डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं कि क्या क्या मेडिकल में डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ पर बनवाने पड़े और क्या 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 कैसा कुछ हुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या, कितनी भीड़ है, कैसे क्या बच्चे मेडिकल के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल जब पहुँचे ऐसे है वाले बंदे जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो वो वीडियो आप देखिए। साथ ही उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने भेजे हैं जो उनको मेडिकल के तहत वहाँ को बनवाने लगे। इस पूरी प्रोसेस में जो है उनको 4 से 5 घंटे लगे हैं। उनका मेडिकल हो चुका है तो उनसे मेरा कांटेक्ट लगातार बना हुआ है और ज़्यादा डिटेल्स मैं उनसे निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। फिलहाल वो थोड़ा हैक्टिक डे रहा उनके लिए, तो अभी वो थोड़ा बिजी हैं, कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो मुझे कोई जानकारी देते हैं मेडिकल से रिलेटेड, जो भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो जानकारी अब तक पहुंचाई जाएगी। तो जैसे ये उन्होंने सबसे पहले अपना OPD का जो टिकट है, आपको जो 10 रुपये का ये जो टिकट बनवाना पड़ता है OPD का, जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है, वो भेजा है। इसके अलावा बहुत ये है उनका, ये लिखा हुआ है ऊपर, श्रीमान सिविल सर्जन सह अधीक्षक विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर। ये अपन को भरना पड़ता है फॉर्म। विषय लिखा हुआ है मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बाबत। इसमें लिखा हुआ है, निवेदन है कि ऋषभ चतुर्वेदी पिता संतोष चतुर्वेदी, मेरी नौकरी डिपार्टमेंट में पोस्ट आरक्षक GD पर लगी हुई है, इस कारण मुझे मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। कृपया मुझे फिटनेस प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। और ये उनका नाम लिखा हुआ है और ये सब इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में। तो ये ऐसा फॉर्म होता है। और ये जो इनका एक और फॉर्म भरना पड़ता है, सेठ गोविंद दास विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर, ये भी एक प्रकार का फॉर्म है जो आपको OPD के समय वहाँ पे भरना होगा। जो SB क्लासेस सबसे पहले आपको दिखा रहा है ये फॉर्म, तो ऐसे कुछ फॉर्म्स दस्तावेज हैं जो आपको भरने होते हैं। पूरी मेडिकल की प्रोसेस में आपको 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होकर जाइए। कुछ खाने के लिए स्नैक्स और अपना जो भी है जंक फूड वगैरह बैग में, कुछ फ्रूट्स वगैरह, जूसी फ्रूट्स वगैरह लेके जाइएगा, ताकि डिहाइड्रेटेड ना हो, ताकि आपका यूरिन टेस्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, तो आपका यूरिन जो है उसका कलर जो है येलो होने लगता है। तो आप प्रॉपर पानी पीते रहें और डिहाइड्रेटेड ना हो, और अपने बैग्स में कुछ ऐसी चीज़ें रखें ताकि वहाँ पर जब आपको टाइम लगे तो आप कम से कम अपनी बॉडी को चार्ज अप रखें, ताकि आपको मेडिकल में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स ना आए। तो SB क्लासेस की मदद से आपको ये जानकारी दी जा रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अभी मैं आपको बता दूं कि जबलपुर में जो है ऐसे आपके मेडिकल स्टार्ट हो गए हैं। बहुत से बच्चों के आज मेडिकल हो भी चुके हैं। DF के जो हैं मेडिकल, वो आपके कल से होंगे। और बहुत ही जैसे और डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास न्यूज़ आ रही है, जैसे खरगोन से या और सागर से, तो वहाँ पर भी ये मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं। और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से जो भी खबर आएगी, मैं आपको पहले उसकी जानकारी देता रहूँगा। और मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमसे जुड़े रहें। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मेडिकल को लेकर, और तो वो SB क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएँ, ताकि जब भी मैं लाइव वीडियो स्टार्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।